सुप्रभात बच्चों, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में पहला टॉपिक आपका डाटा, डाटा कलेक्शन, आंकड़ों को कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे इसको टेबुलेशन ऑफ डाटा करेंगे और क्या यूज है इसका। डाटा आंकड़े का बहुत बड़ा यूज है। किसी भी चीज की स्टडी के लिए अगर हमारे पास डाटाज नहीं है तो वो शायद स्टडी सही रूप से नहीं कर पाएंगे। मैप बनाना है, कुछ भी करना है, सब में डाटा की जरूरत है। पॉपुलेशन मैप बनाना है, पॉपुलेशन डाटा चाहिए। हमें कोई ग्राफ से या बार डायग्राम से कोई भी चीज शो करना है, आपकी क्लास के मार्क्स से शो करने हैं तो हमें डाटा चाहिए। तो किसी भी चीज के स्टडी के लिए आंकड़े डाटा बहुत जरूरी है। इसी में हम शुरू कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स आएंगे इसमें, आज हम उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। डाटा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स फॉर्म में, वो एक डाटा है। डाटम सिंगल फॉर्म डाटा है, सोर्सेस कहां से मिलता है डाटा, सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो डाटा सोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्स में डाटा इन्वेस्टिगेटर जो भी होगा, ऑब्जर्वर जो भी होगा, वो खुद जाएगा, लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, सर्वे करेगा, कुछ भी करेगा, डायरेक्ट जाएगा और डाटा कलेक्ट करेगा, डायरेक्ट सोर्स। मैं आपसे पूछूं, आप सभी के नंबर डायरेक्ट सोर्सेस। सेकेंडरी डाटा में जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डाटा यूज करेगा, वो किसी दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डाटा यूज करेगा। जैसे हम पॉपुलेशन डाटा पढ़ते हैं, वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्सेस है, क्योंकि उसको हमने जाके घर घर जाके उसको डाटा कलेक्ट नहीं किया, सेकेंडरी सोर्सेस। फिर आता है डाटा को टेबुलेशन फॉर्म में, पुटिंग द डाटा इन टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा, टेबल फॉर्म में करेंगे, इनके फ्रिक्वेंसीज निकालेंगे, क्लास इंटरवल में इनको कन्वर्ट करेंगे, आगे आएगा बताते रहेंगे, इसको ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे डाटास को। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा टेबुलेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फ्रिक्वेंसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल, बार बार जो एक शब्द, एक डाटा, एक संख्या आ रही है उसको हम उतने संख्या में लिख लेंगे। सपोज कीजिए किसी बच्चे के नंबर 25 नंबर 5 बच्चों के आए, तो 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5। तो इससे पता लग रहा है कि 5 बच्चों के 25 नंबर आए, हम अलग से पढ़ना नहीं पड़ रहा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल जोड़ करते चले जाएंगे तो टोटल निकल जाएगा। टैली मार्क्स, हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरिएबल, जो टैली मार्क्स का है, जो भी डाटा दिया हुआ उसको टैली मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स, ये शब्द अभी हमने बात की है, बाकी बातें तो बाद में आएंगी, फिलहाल हम शुरू बात करेंगे कल से इस टॉपिक में, जो डाटा सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, ये और बातें करेंगे, और डाटा को कैसे टेबुलेशन करेंगे, कैसे उसको टेलीमार्क्स करेंगे, कैसे फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, कैसे कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी, ये सब बातें इस फर्स्ट टॉपिक में हमारे प्रैक्टिकल में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वीडियो से और ऑनलाइन क्लास दोनों से। तो आज के लिए इतना ही, ये शब्द याद रखेंगे, डाटा आंकड़ों का महत्व, इम्पोर्टेंस इसकी बात, और ये कौन कौन से शब्द इसमें आए।